हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे सिंपल तरीके से चिकन, जो रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। जल्द ही बन के तैयार हो जाती है ये डिश। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। एक पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होते ही इसमें चॉप की हुई प्याज और 6 से 7 हरी मिर्च जो बीच में से कट की हुई वो हम ऐड कर देंगे और इसे गुलाबी रंग होने तक भूनेंगे। गुलाबी कलर आए फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 1 किलो चिकन है, इसे अच्छे से क्लीन करके धोकर रखा था। चिकन को भी अच्छी तरह भून लेना है 2 से 3 मिनट तक, जब तक वो वाइट कलर में ना आ जाए। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 4 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे और उसे भी थोड़ा भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। फिर इसमें पाउडर मसाले ऐड कर देते हैं। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और नमक। गरम मसाला अभी नहीं मिलाएंगे, लास्ट में मिलाएंगे। पहले इसे अच्छी तरह भून लेते हैं, कच्चापन निकाल लेंगे मसालों का। फिर इसमें टमाटर भी ऐड कर देते हैं, 3 टमाटर हैं चॉप किए हुए। और टमाटर को थोड़ा सी 2 मिनट के लिए चलाना है और इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करके इसे अच्छी मिक्स करके ढककर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर और अच्छी तरह पकने देंगे, जब तक मसाले देख लेते हैं। एक छोटा चम्मच जीरा, इलायची, दालचीनी, 4 दाने हैं काली मिर्च के, 2 लौंग, जावित्री, थोड़ी सी जावित्री ली है और जायफल का टुकड़ा है छोटा सी, वो भी कूट के डाल देंगे। अभी सब मसाले कूटे हुए इसमें ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी कोथमीर भी है वो भी स्प्रिंकल कर देंगे, मिला देंगे अच्छी तरह से और 5 से 10 मिनट तक कुक होने देंगे, थोड़ा पानी सूख जाए जब तक। कुटे हुए मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बस कितनी जल्दी तैयार हो गई है चिकन करी। आप इसे राइस, चपाती किसके भी साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है और जल्दी ही बन जाता है।